सोनभद्र के रेणुकूट में हिंडालको जनसेवा ट्रस्ट के सहयोग से कश्यप दिव्य ज्योति सेवा सोसाइटी द्वारा संचालित स्लम कोचिंग क्लास में कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला मंडल स्कूल में शाम के समय चलने वाले इस निःशुल्क कोचिंग में 106 बच्चों में से 65 बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कक्षा 8 से 10 तक चलने वाले इस कोचिंग में लड़के और लड़कियों ने एक से एक व्यंजन बनाया। मुख्य अतिथि के रूप में आए ग्रामीण विकास विभाग के उप प्रबंधक अनुन्य कुमार तथा राजश्री वर्मा ने सोसाइटी के छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित अनेकों व्यंजनों का रसास्वादन वादन किया और छात्र छात्राओं द्वारा बनाए व्यंजनों और सोसाइटी द्वारा कराई गई इस कुकिंग प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि द्वारा सराहना की। उन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने व आंतरिक क्षमता वृद्धि हेतु अति महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं कश्यप दिव्य सोसाइटी के अध्यक्ष सुभाष राय ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित सदस्यों शिक्षकों और बच्चों को धन्यवाद व्यक्त किया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर शिक्षिका सुनीता उपाध्याय, ललित राय, प्रदीप सोनी, शिखा मौर्य, रविंद्र मिश्रा, बसंत यादव सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। हिंडालको जनसेवा ट्रस्ट के द्वारा जो आपके कश्यप दिव्य ज्योति सोसाइटी चल रही है, इसमें आज कहते हैं बच्चों के बीच में कहते हैं कुकिंग प्रतियोगिता कराया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य आप क्या है? हम लोग जो है, पहले तो मैं कश्यप दिव्य ज्योति सेवा सोसाइटी की तरफ से हिंडालको जनसेवा का बहुत आभारी हूँ, ताकि इनके माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम स्लम कोचिंग क्लास चल रहा है। इसमें 106 बच्चे लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं कक्षा 8 से लेकर के 10 तक, और ये पाक शास्त्र का जो प्रतियोगिता था हमने इसलिए आयोजित कराया ताकि बच्चों में जो आंतरिक प्रतिभा है उसको विकसित किया जा सके। जनसेवा ट्रस्ट के द्वारा जो कश्यप दिव्य ज्योति सोसाइटी में ये कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, इसमें आज बच्चों का कहते हैं कुकिंग प्रतियोगिता हो रही है, तो आपको आकर यहाँ कैसा लगा? अच्छा लगा, छोटे बच्चे जो भी बनाए काफी उत्साह से, और उनके लिए एक मोटिवेशनल था कि खाना बनाते हैं कैसा एक्साइटमेंट, तो उनके लिए काफी अच्छा था। और टेस्ट करने के बाद लगा कि खाना बढ़िया बच्चों ने बनाया, प्रयास बढ़िया किया, उससे बढ़िया खाना।